ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। आभूषण कारोबार के लिए मशहूर नवी मुंबई के कारोबारी अशोक ढिंग बड़े पैमाने पर अपनी गुणवत्ता और वैरायटी के लिए जाने जाते हैं। आज हमने कोपर खैरन के सावरा ज्वेल्स शॉप में विजिट किया। सावरा ज्वेल्स अपने ट्रेडिंग में चल रहे आभूषणों और एंटिक ज्वेलरी के लिए मशहूर है, जो ग्राहकों को बहुत पसंद आता है। सावरा ज्वेल्स के मालिक अशोक ढिंग के साथ प्रातःकाल लाइव पर पेश है ये मुलाकात। हमारी संवाददाता अलमास सिद्दीकी द्वारा लिया गया अशोक ढिंग का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातःकाल लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ अलमास सिद्दीकी। इस वक्त मैं सावरा ज्वेल्स में मौजूद हूँ, जो इस क्षेत्र की जानी मानी दुकान है और हम मुंबई में रह रहे राजस्थानी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनसे एक एक करके प्रातःकाल जुड़ने की कोशिश कर रहा है। हमारे राजस्थान के जितने भी प्रवासी यहाँ मुंबई में रहते हैं, हम उनसे एक एक करके इंटरव्यू लेंगे। तो आज हम सावरा ज्वेल्स के मालिक मिस्टर अशोक भीम से चर्चा करेंगे और उनसे रूबरू होंगे। अशोक जी, मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहती हूँ। अशोक कुमार सोनलाजी जी, मूल निवासी राजसमंद जिला लामोड़ी गांव के हैं और मुंबई में प्रवासी। नीलेश सिंह नाम है मेरा, मुंबई में राजस्थान में लामोड़ी गांव से। मेरा नाम मानव जैन है, मुंबई का निवासी हूँ और गांव धानी राजस्थान जी। सबसे पहले मेरा सवाल ये है आपसे कि जो राजस्थान से मुंबई तक का सफर है वो आपने किस तरह से तय किया? सर, 1985 के बाद पहले मुंबई आए, जॉब किया, फिर धीरे धीरे एक शुरुआत की दुकान की, उसके बाद चालू है कंटिन्यू। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस कारोबार में किस तरह से जुड़े? पढ़ाई पूरी हुई राजस्थान में मेरी, धीरे धीरे बड़े भाई इधर आए, यहाँ पे आर्थिक की जरूरत थी, कारोबार भी बढ़ रहा था, तो जरूरत के हिसाब से हम भी इस बिजनेस से जुड़ गए। मुंबई में रहते हुए राजस्थान से आपका कितना लगाव है? बहुत ही ज्यादा लगाव है। कितना? महीने में एक बार जाना होता ही है। और सर, आप? राजस्थान तो मेरा दिल में बसा हुआ है, राजस्थान जाना आना जैसे सुबह शाम जैसा काम है। जी, मैं यहाँ पर आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगी कि जो कोरोना जैसा जो बहुत बुरा समय जो पूरी दुनिया ने देखा है, तो उस समय को आप लोगों ने किस तरह से हैंडल किया, अपने ग्राहकों को, अपनी बाजार की स्थिति को? लोग तो सब क्लोज थे, जैसे जैसे मोबाइल में फोन आते जैसे परिस्थिति बताते थे, तो किसी का शादी था, किसी का कुछ भी था, तो जैसा जो भी लगेगा उनको निश्चिंत किया, भाई मस्त रहो, जैसे मार्केट खुलेगा आपको सब मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कस्टमर के साथ कांटेक्ट में ज़्यादा रहना हो गया, पहले सिर्फ आमने सामने मिलते थे, ऑनलाइन ज़्यादा बात होनी स्टार्ट हो गई, वाया मोबाइल फ़ोन ज़्यादा कनेक्ट हो गए, तो अभी पेमेंट भी जो था ऑनलाइन ज़्यादा बढ़ गया कंपैरेटिवली आफ्टर कोरोना काल। और जो जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है, जीएसटी को आप किस तरह से देखते हैं, इसमें आप लोगों का कितना फ़ायदा है और सरकार का कितना फ़ायदा है? सरकार की बहुत ही अच्छी शुरुआत है जीएसटी एक हिसाब से देखें तो, पर हमारे लिए काम का थोड़ा बोझ बढ़ गया है, बाकी ठीक है, चल रहा है जैसा चला रही है। वर्कलोड था पर मंथ जो था हमारा कंपैरेटिवली अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जो फाइल्स रखनी पड़ती थी टैक्स के रिलेटेड, वो अभी डबल हो गई है, जो जीएसटी से रिलेटेड रखनी पड़ती है। हमें टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है, पहले 0.25% था, अब 3% देना पड़ता है, बट हाल में ये बात है कि ट्रांसपेरेंट है बिजनेस, वो ज़्यादा हो गया। जैसा कि आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो थोड़ी बढ़ गई है जीएसटी की वजह से, तो ऐसे समय में, ऐसे सिचुएशन में आप अपने ग्राहकों को किस तरह से मतलब सेटिस्फाई करते हैं कि वो और गोल्ड खरीदे? वो तो और गोल्ड तो कैसे है, जैसे अभी उनका अभी ट्रांसपेरेंट हो गया बिजनेस, तो प्योरिटी सब सरकार ने अभी डिक्लेयर कर दी है, तो अभी ग्राहकों के लिए भी क्लियर हो गया कि उनको क्या प्योरिटी चाहिए और हमारे भी क्लियर हो गया कि हमें क्या प्योरिटी रिक्वायरमेंट है आगे, तो उस अकॉर्डिंगली जो कस्टमर हमारे डिमांड करते हैं उस अकॉर्डिंगली हम देते हैं। मैं यहाँ पर आप तीनों से जानना चाहूंगी कि शादियों का सीजन है और हिंदुस्तान जो है वो पर्वों का मतलब देश है, यहाँ पे हर
महीने हर हफ्ते कोई ना कोई त्यौहार आता रहता है और हिंदुस्तान की संस्कृति है कि सोने को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो ऐसे में शादियों का सीजन हो या फिर कोई भी त्यौहार हो, उस मौके पर आप अपने ग्राहक को किस तरह से देखते हैं? जैसा त्यौहार है, दीपावली हुआ, धनतेरस हुआ, वो हिसाब से खरीदी होती है, वो हिसाब से कस्टमर आते हैं, वो हिसाब से हम लोग उस चीज़ की तैयारी करते हैं और वो हिसाब से अपन सामान भरते हैं। और जैसे कि अभी ग्राहक हैं, उनको ट्रेंडिंग में इस वक्त किस तरह की ज्वेलरी चल रही है, जैसे शादियों का सीजन है तो लोग किस तरह की ज्वेलरी पसंद करते हैं? अभी फिलहाल तो ज़्यादा डिमांड ऐसी है कि लाइट वेट को दिखने में ज्वेलरी और दिखने में बहुत ज़्यादा यूनिक हो, क्योंकि अब जो इंटरनेट का ज़माना आ गया है, ऑनलाइन डिजाइन भी पसंद करके कस्टमर हमारे पास लेके आते हैं, हमें वो भी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करनी पड़ती है। डिज़ाइन जो वेराइटी हम पहले रखते थे वो ज़्यादा रखनी पड़ती है अभी, क्योंकि बहुत सारी वेराइटीज़ आगे मार्केट में आ गई है, तो हमें कॉम्पिटिशन के साथ बने रहना पड़ता है। और एंटिक भी चल रही है आजकल, एंटिक भी मांग। जी, किस तरह की एंटिक्स? एंटीक वैरायटी का मोती बोली का काम हो गया, गोल्डन वाला काम हो गया। ठीक है, तो इसको इसकी डिमांड कितनी है अभी? सबकी अलग अलग होती है, अभी अच्छी डिमांड है। जैसे कि राजस्थान जो आप लोग का पहला गांव है, सर ने एक लाइन कही थी, यहाँ तो हमारे ग्राहकों का कैसा है कि हमारा उनका विश्वास ही हमारा इतिहास है। जी जी, ये तो आप राजस्थान से कितना जुड़े हुए हैं, मुंबई में रहते हुए राजस्थान से, और राजस्थान की अपने भाइयों के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं? वहाँ हमारे एक जाल वाला नाथ का मंदिर है, ट्रस्ट भी है, ट्रस्ट भी बना हुआ है, उसके तहत बहुत सारी एक्टिविटीज वहाँ भी करवाते हैं और सामाजिक कार्य भी बहुत किए जाते हैं। आवरा के बारे में बताने से पहले मैं आपको भी बोलूंगा, एक बार आइए, बोलते हैं श्री जालवाला नाथ की जय। ये जो ज्वेलरी की शॉप है, इसका नाम है सावरा ज्वेल्स और ये बहुत ही यूनिक है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस जो ये आपको नाम का सुझाव वो किस तरह से आया, आइए हम जान। सावरा ज्वेल्स हमारे कुल देवता है श्री जालवाला नाथ, इनका ही दूसरा नाम है सावरा, तो ये हमारे लिए इनकी शॉप है, प्रभु की शॉप है, जाल वाला नाथ की दुकान है, उनकी ही कुर्सी लगी हुई है, प्रभु यहाँ पे साक्षात विराजमान है और उनके ही नाम से हमने ये शुरुआत की है। जी। जो देश की युवा पीढ़ी है, अगर उसे ज्वेलरी मार्केट में आना है तो आप वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मोस्ट वेलकम, बड़ा बाजार है, जितने भी लोग आए उतने कम है। वैरायटीज कब खत्म नहीं होती इसमें, आज कोई वैरायटी चल रही है तो 6 महीने बाद दूसरी आ जाएगी, उसके बाद दूसरी आ जाएगी, तो इसमें ग्रोथ है ही है, कभी वैरायटीज में कभी कमी नहीं आती, तो वैरायटीज बढ़ती है, सेल भी बढ़ते हैं। और भविष्य में जो ज्वेलरी मार्केट की स्थिति तो काफी अच्छी है, कोरोना जैसे समय में भी बहुत अच्छी थी स्थिति, ठीक ही थी, इतनी बुरी नहीं थी, तो आप भविष्य में मतलब और किस लेवल पे, किस स्तर पर आप ज्वेलरी मार्केट को देखते हैं? भारत में ज्वेलरी मार्केट तो दिन दो दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा ही है, जब तक भारत में नारी है तब तक डिमांड बढ़ती जाएगी, तो सोने चांदी से बहुत लगाव है। जी, एज इन्वेस्टमेंट भी बहुत लोग लेते हैं। किस तरह का इन्वेस्टमेंट? गोल्ड कॉइन्स हो जाते हैं, ऐसा कोई ज्वेलरी भी आता है तो कभी उनको कोई सिचुएशन आ जाती है, जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो तब सुनना उनके काम होता है। जी, हमारे हिंदुस्तान में जो गोल्ड को है एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है, तो इस बारे में भी कुछ बताइए। पहले जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट था वो अभी वो 10,000-5,000 रुपीस में 10 ग्राम ले लेते थे, अब वही 50-55,000 हो गया है, तो अप टू 5 times बढ़ गया है वो, तो वैसे ही ग्राहकों की आशा है कि अब अगर 50 में लेंगे तो वो कब जाके 80 भी होगा, 90 भी होगा, तो उनका मतलब फायदा कहीं ना कहीं उनको भविष्य में प्रॉफिट ही उनका फायदा दिखता है, उनको लगता है कि हमें जाके इस चीज में थोड़ा फायदा होगा, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो मैं यहाँ पे सवाल पूछना चाहूंगी, जो गोल्डमार्क है जो 24 कैरेट और उससे कम भी होता है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? प्योरिटी का डिफरेंस है, कुछ नहीं है, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 और 24, ये सब में प्योरिटी का डिफरेंस है। सबसे ज्यादा प्योर 24 कैरेट है, उसमें कॉइन्स आते हैं और जो स्टार्टिंग का है, ओके, और 18 कैरेट आता है वो थोड़ा 76% से। और आपके यहाँ पे जो शॉप में ज्वेलरीज है उसके क्या कैरेट? 22 कैरेट 916 और ओके। जैसा कि हमने ये लोगों से चर्चा की और ज्वेलरी बाजार या गोल्ड मार्केट की जो स्थिति है और भविष्य में ये लोग क्या चाहते हैं उस बारे में चर्चा। इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रातःकाल लाइव।
अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।